क्या क्या मिला? बाराबंकी का खाता खुला, वही दबाने का प्रयास, एक अंक और बाराबंकी के खाते में, तो यह फाइनल मुकाबला बाराबंकी और इलाहाबाद के मध्य खेला जा रहा है। अच्छी सर्विस और उतना ही अच्छा रिसीव, बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा डिफेंस, ड्रॉप का प्रयास, नेट पकड़े गए। हमारे निर्णायक महोदय की निगाहें चुस्त और दुरुस्त, तीन, बहुत ही अच्छा स्मैच और क्या प्रयास है, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, धीरज जी की जितनी सराहना की जाए कम। तीन नंबर जर्सी के खिलाड़ी हैं, कप्तान भी है टीम के, धीरज शर्मा, वही नाम धीरज शर्मा, 4-0। भैया कृपया दर्शकों को मैच देखने दें, बहुत ही अच्छा स्मैच, चेकआउट करा के मारा, अंक मिला 4-1। सर्विस, अच्छी सर्विस, उतना ही सुंदर रिसीव, बहुत ही अच्छा स्मैश, एक बार फिर बाराबंकी 5, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुकाबला उन्होंने इसके पहले खेला और इलाहाबाद को भी चार्ज होने की जरूरत है, क्योंकि ये वॉलीबॉल है, जब शरीर गर्म होता है तो ताकत बढ़ जाती है, वॉलीबॉल में नजाकत बढ़ जाती है। और बहुत ही अच्छी सर्विस, बिल्कुल फ्लैट सर्विस, ड्रॉप का प्रयास सफल नहीं, और 9 नंबर जर्सी के द्वारा जोरदार प्रहार, विनीत के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रहार, बस। अरे शिवा यार, तू तो पीछे, शिवा पीछे आओ यार भाई, 5-3, 3-5 के लिए सर्विस, ज्यादा 3-5 ना किलो, 6-3, तो एक अच्छा मुकाबला बाराबंकी और इलाहाबाद के मध्य खेला जा रहा है, ये फाइनल मुकाबला डे नाइट प्रतियोगिता का, चूना उड़ गया, अंक मिला बाराबंकी को, कह दो हम ऐसी तरह विवेक कहती हैं, कह दो हम ऐसी तरह देखिए अभी बाहर ना उड़े क्या, जो भी यहाँ दर्शक मौजूद है थोड़ी देर के लिए चुप्पे रहो यार, अपने गेहूं की चिंता छोड़ दे और मैच का आनंद ले, क्योंकि ये सिर्फ साल में एक ही बार टूर्नामेंट होता है, आपके क्षेत्र में इतना बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन हर वर्ष होता है, जहां दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं। 8-3, 1 हमारे मित्र पीछे बैठे, आज वैलेंटाइन डे साल में खूब आ रावत है, मना ले भैया। 9-3, 9-3, सर्विस बाराबंकी की तरफ से, अच्छी सर्विस, रिसीव भी उतना अच्छा, बैक से सुंदर स्मैश प्रयास किया गया 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन सफलता नहीं, अंक मिला इलाहाबाद को, इलाहाबाद 4, बाराबंकी 9। 25 अंकों के 3 सेट खेले जाएंगे इस फाइनल मुकाबले में, देखते हैं आज ताज किसके सर में सजता है। बहुत ही अच्छा प्रहार आसिफ के द्वारा, और तू डाल डाल मैं पात पात वाली स्थिति, आसिफ ने मारा उधर रुकी, उसने मारा लेकिन इधर नहीं रुकी, सर्विस अच्छी, फ्लैट सर्विस, बहुत ही अच्छा स्मैच, सीधा गेंद को वहीं पर दबा दिया, ताकत भरपूर, 10-5 के लिए सर्विस इस फाइनल मुकाबले में बाराबंकी की तरफ से, ड्रॉप का प्रयास, लेकिन मुस्तैद कप्तान धीरज, देखो आपको एक अच्छा मैच खेलना है,
तो आपको हर क्षेत्र में अच्छा करना पड़ेगा, आपको अच्छी रिसीव करनी पड़ेगी, अच्छे स्मैश करने पड़ेंगे और अच्छे ब्लॉक भी करने पड़ेंगे। जब सारी चीजें अच्छी होती हैं, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, इसमें गलती की ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं है। और नेट को छूते हुए सर भी निकल गए, वहीं पे दबा दिया। अशरफ ने तेरा और छह सर्विस बैट से बहुत भी बढ़िया स्मैश, धीरज समझ नहीं पाए, उनको लगा कि उनसे गलती हुई और अपने खिलाड़ियों को बताया कि उनसे गलती हुई, स्वीकार किया उन्होंने। और एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है, अच्छी जब सर्विस रिसीव भी बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा इसमें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बता रहे हो मग गए सर्विस इलाहाबाद की तरफ से अच्छी जंप सर्विस, और क्या सर्विस है, एक अंक दिला दिया अपनी टीम को, 9-14 हमने पिया, 9-14 हमने क्लियर सर्विस 12 इलाहाबाद की तरफ से, और बहुत ही अच्छी सर्विस रिसीव भी उतना अच्छा, बैक से बहुत ही अच्छा स्मैश किया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, अंक मिला इलाहाबाद को। तो इलाहाबाद की टीम गर्म होती हुई, बाराबंकी पहले से ही गर्म है, क्योंकि सेमीफाइनल खेलने के तुरंत बाद उनको फाइनल खेलना पड़ा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा चेकआउट करके स्मैश किया 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा, एक अंक और 11-14 तो वापसी करती हुई इलाहाबाद की टीम, अच्छी रिसीव और काउंटर से बहुत अच्छा इसमें, लेकिन ब्लॉक बहुत अच्छा है 13 नंबर जर्सी द्वारा, लगातार 2 बार ब्लॉक, पहली बार तो ब्लॉक रिसीव हुआ लेकिन दूसरी बार डेड ब्लॉक किए गए, काउंटर अटैकर अहमद। बहुत ही अच्छा मुकाबला 12-15 तिवारी मंगवा दो, पीछे कुछ जन लसियार है हमारे चक्कर में। तेरा और 15 तो हमने कहा कि इलाहाबाद की टीम अच्छी टीम है, वापसी करना जानती है, और उन्होंने दिखाया कि वापसी कैसे की जाती है, और एक अच्छा कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के मध्य, तो डाल डाल मैं पात पात। वो मैं शक्कर नहीं ना है, बहुत ही अच्छा ब्लॉक, बहुत ही अच्छा ब्लॉक, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला दोनों टीमों के मध्य, सत्रह और तेरह पहली बार जब श्री बालाजी बाली बाल क्लब बीरपुर कुठुआ के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, तो क्योंकि पहली बार हमारे क्षेत्र में टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे याद है कि बाहर की टीमें आई थी और
उस साल साई हॉस्टल रायबरेली ने फाइनल का खिताब जीता था, पहले वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ। तो गांव से कुछ बच्चे मैच देखने आए थे, तो कुछ मैं कमेंट्री कर रहा था, तो पीछे कुछ बच्चे बैठे थे जैसे अभी बैठे हैं, तो कह रहे थे अरे भैया ये तो हम पहली बार देखे कि गेंद से पनक है तो एक उछलत है, दूसरा उछलत मारत की सर है, क्योंकि गांव में होता क्या था कि बाली बाल खाली ऐसी मारो रेफरी महोदय के द्वारा। अठारह और चौदह बहुत ही अच्छा पावरफुल, इसमें 19 और 14 सर्विस, अच्छी सर्विस, रिसीव भी उतना अच्छा और छोटी गेंद वही दबाया 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा। तो दर्शकों में काफी जोश, ठंडा हो गया था क्योंकि बीच में मैच थोड़ी देर रुका है। तो अगर चाहते हो कि एक अच्छा मुकाबला हो तो बीच बीच में किसी भी टीम का आप सपोर्ट करिए, एक टीम अपनी मानिए और उसका सपोर्ट करिए, फिर देखिए कि मैच में आनंद कितना आता है। जो भी दर्शक यहाँ पर बैठे हुए किसी एक टीम का आप सपोर्ट करिए और उनका उत्साहवर्धन करिए, फिर देखिए खिलाड़ी कैसे खेलते हैं। 7 नंबर जर्सी के द्वारा बहुत ही अच्छा स्मैल, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस रोका गया, पूरी ताकत लगाई थी शॉट में और एक बार फिर सफल। 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए अमन, 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अमन के द्वारा बहुत ही अच्छी सर्विस, धीरज के द्वारा बहुत ही अच्छा ब्लॉक, 12 नंबर और 5 नंबर जर्सी का संयुक्त प्रयास और फिर ब्लॉक किए गए। कह रहे तुम मारे रहो हम पकड़े रहा, एक बार तालियां बजा दे। आज एहसास हुआ कि शुगर के पेशेंट कैसे चाय पीते हैं, हमको भी एहसास हुआ। बहुत ही अच्छा स्मैश, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। तो एक बार जोरदार मुकाबला दोनों टीमों के मध्य, 25 अंकों के 3 सेट खेले जाएंगे इस फाइनल मुकाबले में, देखते हैं आज यहाँ का विजेता कौन होता है। एक एक अंक के लिए दोनों टीमें लड़ रही हैं। लाइन टू लाइन सर्विस 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा, थोड़ा पियो बहुत ही अच्छी है सर्विस 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा। तो पहला सेट